लोग पूरे माने हुए हो अपने कल्चर में नाचने गाने के लिए, ऐसे हम भी माने हुए हैं पंजाब वाले, नाचने गाने के लिए, अपने कल्चर को, अपने विरसे को आगे बढ़ाने के लिए। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और माधव देव ने सभी जाति धर्म को एक कह के एक असमिया समाज का जो नारा दिया था, आप उस पे कायम हो, यही चीज हमारे भी यहां कायम है। गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी असम में आए हुए हैं, असम में गुरुद्वारा साहब है उनके, वो भी यही मानवता का संदेश देने आए थे। महावीर लाचित बरफुकन जी ने देश से बड़ा मामा नहीं हो सकता ये बोलकर गर्दन काट दी थी मामा की, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, रिश्तेदारी ये वो, यही कल्चर हमारा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे लाला लाजपत राय, हमारे पंजाब से भी आजादी के लिए 80% कुर्बानियां दी गई, तो हमारा असम के साथ कल्चर मिलता है, हमारा विरसा मिलता है, हमारा एक दूसरे की सांझ है। मैं आते हुए देख रहा था कि आप लोग चाय के बागान में छतरी लगा के पीछे बैग लगा के चाय तोड़ते हो, चाय की पत्तियां तोड़ते हो, हम लोग बिल्कुल वैसे ही कॉटन में करते हैं, नरमा कपास ऐसे जाते हैं हम भी लोग खेतों में, हम खेतों के बच्चे हैं, मैं भी खेतों का बच्चा हूं, आप भी खेतों के ही बच्चे हैं, तो खेतों के बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं, सवाल ये है मेरा आज, खेतों के मालिक भूखे क्यों मर रहे हैं, सवाल मेरा ये है क्यों मर रहे हैं, क्योंकि हेमंत कुमार वसबा जैसे लोग आ गए हो भाई साहब, क्या करें उनका, जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के शासन में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होते थे, हेल्थ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, अगर वो चाहते आज से 20 साल पहले असम के सारे स्कूल शानदार हो सकते थे, अगर वो चाहते उनकी नीयत साफ होती तो आज असम के अस्पताल शानदार होते, असम के लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़, बेंगलोर, पटना या दिल्ली ना जाना पड़ता, अगर उनकी चाह इच्छा होती तो। अब इधर आ गए हैं, दूसरी पार्टी में आ गए हैं, अब इधर से शुरू कर दिया काम। यह बताओ सरकारी स्कूल असम में 8000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मेरे साथ आज सीट पे जहाज में एक बंदा बैठा था, उसने कहा जी ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे असम में, आप प्लीज बोल देना वहां जाके। मैंने कहा मैं बोल दूंगा, बोलो क्या, कहता जी 8000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैंने कहा क्यों हो गए, कहता जी बच्चे नहीं है वहां सरकारी स्कूल में, बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, तो स्टाफ को क्यों तनख्वाह दें, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बिल्कुल यही हालत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल यही हालत पंजाब के सरकारी स्कूलों में थी 2 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था। लेकिन हमने कहा स्कूल बंद करने की बजाय हम स्कूलों को ही इतना अच्छा कर दें, कारण क्या है बंद करने का, कारण क्या है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, माता पिता का, पेरेंट्स का विश्वास उठ गया सरकारी स्कूल की पढ़ाई से कि चलो हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, हमारी तो कट गई, कम से कम बच्चे को तो प्राइवेट में पढ़ा लें, अच्छी शिक्षा दे लें, सरकारी में शिक्षा नहीं, सरकारी शिक्षा से यकीन उठ गया था। हमने सरकारी शिक्षा ऐसी कमाल कर दी, पहले दिल्ली में अब पंजाब में, भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के प्राइवेट स्कूल है, बड़े प्राइवेट स्कूल है, एयरपोर्ट पे ऐड लगी हुई थी,
अब जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है, वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री का अपना ही टीवी चैनल है, उस पर तो तारीफ ही होगी। भाई साहब ये टीवी वाले में उनका तो नहीं है ना, उनका तो नहीं है कोई कैमरा है? दिखा देना। मुख्यमंत्री के अपने चैनल हैं जी भाई साहब, तो कौन दिखाए? कहां देखें? कहां क्या करेंगे हम? ये चल रहा है, चाय बागान का एरिया है, चाय बागान का एरिया है, 250 रुपए दिहाड़ी है आम आदमी पार्टी की। आप झाड़ू का बटन दबाना, 450 दिहाड़ी करके दिखाएंगे आपको। मैं 500 नहीं कह रहा, मैं 400 भी नहीं कह रहा, जितनी मैं कर सकता हूं। मेरे केजरीवाल, मेरे जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा है वादा वही करना जो पूरा कर सकते हो। मैं 500 भी कह सकता था, मैं 400 भी कह सकता, लेकिन 450 तो पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो माटी का पट्टा, माटी पट्टा नहीं मिल रहा है। भाई माटी हमारी है, पट्टा हमें ही मिलना चाहिए। आदिवासियों के 3 ज हैं, जल, जंगल, जमीन, उनको वो 3 नहीं मिल रहे, आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी को आने दो, माटी पट्टा आपका हक है, आप कानून बनाएंगे। तो ये समझते क्या देश को? भाई साहब देश को समझ क्या रखा है इन्होंने? कभी मर्जा चिड़िए, कभी जोंजा चिड़िए, ऐसे लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है इन्होंने, कभी इधर कभी उधर। पहले सबसे पहले 2015 में सबसे बड़ा करप्शन का केस और सबसे बड़ा करप्ट बंदा डिक्लेयर किया था अमित शाह जी ने, आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी को। आज वो सबसे अच्छा और सबसे धुला हुआ वॉशिंग मशीन में आ गया ना, बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में आ गया। हर बात पे झूठ बोला जा रहा है, हर बात जुमला है। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की कलम, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है, तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी। झूठ पे झूठ, झुमले पे झुमला, पता नहीं कहां कहां से। लेकिन आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये कितने अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए असम में, पंजाब में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, कितने केजरीवाल पैदा हो गए, उनको कहां कहां पकड़ोगे? कहां पकड़ोगे बताइए? तो इनको लगता है हम वो पत्ते नहीं है। यहां 2-4 बीजेपी वाले भी आए होंगे, आए होंगे, पक्का आए होंगे, क्योंकि मेरी और अरविंद केजरीवाल की रैलियों में तो आते आते हैं, उनके आका भेजते हैं उनको कि जाके देखना भगवंत मान ने क्या बोला था आज। अब मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बता देना अपने आका को कि हम वो पत्ते नहीं हैं
जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। और इस बार आपके पास चॉइस क्या है, जब पोलिंग वाले दिन जाओगे एक मशीन पड़ी होगी पर्दे में और कोई नंबर देखना ही नहीं है, पहले नंबर पे ही झाड़ू है, पहले वाला बटन दबा देना, अगर दूसरा तीसरा या कोई और बटन दबा दिया करंट लग सकता है आपको, तो पहला बटन दबा के अपनी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। मशीन में भी पहले नंबर पर है और चांद जून को आना भी पहले नंबर पर ही है। मनोज मुझे हमारे मनोज बताइए, मैंने कोई बात झूठ बोली? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपने जो बोला है सर, हम यहाँ पे हजारों की संख्या में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, और आपको इत्मीनान से कह सकते हैं। क्या मुझे बताओ, आप 250 की 450 होनी चाहिए, आप हमारी भी तो उसी समाज से, चाहे चाहे भाई समाज से, धरधर सर राइज अपना लोग एटा हुरत कोक, अमार सारे सारी खोटो का मजूरी होबो लगी बोने नाई, एटा हुरत कोक। आंसर दे दिए सर लोगों ने, 450 रुपया चाय बगान के और माटी माटी पट्टा, माटी पट्टा राइज सबे एटा हुरत कोक, अमाक माटी पट्टा लगे ने ना लगे। सर आंसर मिल गया आपको सर, क्या बात, तालियां इनके लिए, तालियां। इनके माता पिता बैठे हैं, इनके घर वाले बैठे हैं, पत्नी बैठी है, ये परिवार है, हम लोग आप जैसे लोग ही हैं हम, बाकी इनका तो अपने रिश्तेदार ही टिकटे लेते हैं, बस अपनी पार्टी में टिकटे रखो, चाचा दादा साला जीजा बेटा भतीजा सब इनके, लेकिन हम लोग आप जैसे हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी मास्टर थे, अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन आम घर से स्कूल जाते थे 10वीं तक साइकिल पे, तो वहां से आए, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, मैं आ गया उसमें, और उस पार्टी ने इतना बड़ा नेता बना दिया कि आज मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका देती है, आम घरों के बेटे बेटियों को, आपके बेटे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, 43,000 सरकारी नौकरियां, पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में आम आदमी क्लिनिक खुल गए, इलाज पैरासीटामोल की गोली से हो चाहे 40 लाख के ऑपरेशन से हो बिल्कुल फ्री है जी, दिल्ली में भी फ्री है, ऐसे ही असम में करेंगे, क्यों असम वालों का हक नहीं बनता, क्यों इलाज सिर्फ नेताओं का फ्री होना चाहिए, ये बिजली सिर्फ नेताओं को फ्री होनी चाहिए, आपका हक नहीं बनता, आप लोग क्या टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हैं आप, तो टैक्स का पैसा आपके पास आना चाहिए वापस। तो मनोज जी एक नंबर पे, एक नंबर पे हमारा निशाना है, आपने दूसरा तीसरा चौथा नंबर देखना नहीं है, झाड़ू है सफाई करता है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में मोदी जी की आंधी को कैसे रोक लिया, मैंने कहा क्या मतलब, कहते जी मोदी जी की आंधी को कैसे रोका, मैंने कहा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहते कैसे रोका, मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले जी कमल का फूल, मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, कहते जी झाड़ू, मैंने कहा कमल कहाँ उगता है, कहते जी कीचड़ में, मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई, मैंने कहा जी हमने कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में झाड़ू उगे, अब फूल कमल का फूल उगे ही नहीं, उगे ही नहीं, उगे ही नहीं।
तो ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, जैसे अभी लॉलीपॉप दे दिया एक तो कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, आप लोग खुश हो गए। लेकिन ये तो सोचो 1000 रुपया महंगा किसने किया था, 1000 महंगा करके 100 सस्ता खुश। ये तो वो बात हो गई, किसी घर में शादी थी, अच्छा परिवार था, लड़की लाडली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, उसके लिए सामान तैयार किया, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े गहने, चांदी सोने के गेवर सब बनवा लिया। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचना, ये देखना कि कैसे लॉलीपॉप देते हैं आपको। प्रभाव में बंद कर दिया तो सारा सामान, सोफे, टीवी सब ट्रक में लाने। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है? कहते जी इस कमरे में। खोलो, खोले, अंदर जाके बोले, किस लड़के की शादी है? एक लड़की बेचारी उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने हाथ जेब में डाले, 100 रुपया उसको शगन दे दिया, बेटा तेरी जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, तू जिए, बुढ़ सुहागन होवे, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये कह के वो चले गए अपना ट्रक लेके। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी जो मर्जी है, लूट के जो मर्जी ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई ये आपके साथ करता है मोदी, देखो 5 साल आपको लूटता है और 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर देता है। हम कहते हैं जी बंदा बड़ा अच्छा है, जी जो मर्जी है जी, 100 रुपया सिलेंडर। अरे इन लॉलीपॉप में मत आना, इन जुमलों में मत आना, क्योंकि हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जी मनोज जी बोलिए, इन्हीं के लिए तो आए हम। सर मैं हमारे पब्लिक की तरफ से अब मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, जैसे अरुणोदय आसोनी बोल के एक स्कीम हमारी सरकार यहां चलाती है, जहां महिलाओं को 1250 रुपया महीना दिया जाता है। अगर आप इन हमारी यहां जितनी महिलाएं हैं उनको पूछेंगे कि आपको अरुणोदय आसोनी मिला है क्या, अगर 5 जन कहती हैं कि हमको मिला है तो 100 जन बोलती हैं कि हमको नहीं मिला है। और ये चीज हम लोगों ने जब घर घर जाके प्रचार कर दिया, अभी उन लोगों ने एक काम किया है सर, जैसे आपने जुमला बोला है, उन लोगों ने एक नया जुमला शुरू किया है सर, फॉर्म ले लेके घर घर जाके महिलाओं को अभी नया फॉर्म दे रहे कि 10 साल में आपको अरुणोदय मिला है नहीं मिला है, नहीं मिला है तो फॉर्म फिलअप करो, वोट दो, वोट के बाद हम फॉर्म तुमको अरुणोदय आसोनी देंगे बोल के। तो ये एक सर नया जुमला है जो अभी हमारे हिमंत बिश्व शर्मा सर ने। और एक जो मनोज जी बड़ी अच्छी बात चल रही है हमारी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, हम बातचीत कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो जो छह जन गोष्ठियां जो बहुत सालों से जनजातिकरण की मांग कर रही हैं, हर बार बाधा भी कर लिया जाता है, वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण क्या है इनका? राइस अमार मान साहब अमार खुदी से जे 100 जनगोष्ठी आमी जनजातिकरण विचारिछिलो 10 বছৰ আগত বিজেপি শাসনত আহিলে আমাক এই কথাটো কয় যে 100 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করিব বলি, হলেনে রাইজ? জনজাতিকরণ হলেনে নাই? 10 বছৰ নহলে কি কারণে নহলে রাইজ? আমাক মান সাহেবে আমাক উত্তর বিচাৰিছে। তো হাম করেন, হাম করেন, হ্যাঁ স্যার হাম কর দেন, ये प्लीज करना चाहिए, जो जिसको हक है वो उसका हक उसको मिलना चाहिए। ये देशवासी हैं, ये टैक्स देते हैं, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। भगवान राम सर जिंदाबाद। और हमारे इंडिया गठबंधन के
इंडिया गठबंधन के ये उम्मीदवार हैं। मुझे पता चला कोई और भी कह रहा है कि हम इंडिया का इंडिया गठबंधन में हम हैं, बाकी सभी पार्टियां हैं लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ये हमारे उम्मीदवार हैं, किसी और की बातों में मत आना। हाँ इस झाड़ू से पहले हम दुकान या मकान साफ करते थे, अब आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भगवान मान साहब मुझे ये बता दीजिए कि हमारा बटन कौन से नंबर पर है। क्लियर हो गया सर। कितना क्लियर हो गया? एक नंबर पे। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आना कौन से नंबर पर है? एक नंबर पे, ठीक है ना। तो झाड़ू का बटन ईवीएम में एक नंबर पे है, जाइए आराम से बटन दबा के आ जाइए। आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। हम काम करेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम स्कूलों को शानदार करेंगे। आप पंजाब दिल्ली से पूछ लेना, किसी से दोस्त मित्र होंगे, कोई रिश्तेदारी होगी, आप पंजाब और दिल्ली में पूछ लेना। अगर पंजाब और दिल्ली के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर नहीं अच्छे लगे वोट मत देना, दोबारा मांगने भी नहीं आएंगे फिर। ये तो 70 साल से वोटें ले रहे हैं, इनका क्या है? 70 साल से वोट ले रहे हैं भाई साहब, हर बार वोट दे देते हैं हम, क्या करें, कहां जाएं? यही बस, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये तो चलेगा नहीं ना ज्यादा देर। ये देश आम लोगों का है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, ये लोग निकाल लेते हैं। इतनी कहना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। भगवान मान सर दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब जिंदाबाद के नारे, शहीदों के दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब जिंदाबाद। देखो भाई सब बीजेपी वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने ये भी पूछना है नारे कितनी जोर से लग रहे थे, अब क्या जवाब दोगे भाई साहब? कम से कम आसमान तक तो फैले ना, तो फिर उनको ये कहना पड़े कि सर नारों के बारे में आप क्या सुनते हो, सोचते पूछते हो? टीवी पर आपने देख ही लिया होगा, फिर ये सब टीवी पे चल रहा है।